गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछले वीडियो में हमने हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया था। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि फसल की कटाई की जाती है और उनको उनके ढेर को एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है कि जो चाफ होता है, भूसा होता है, उसको दानों से अलग करना होता है। तो भूसे को दानों से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द चेफ। कि थ्रेशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा दानों को चाफ से अलग किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? दिस इज डन आइदर बाई हैंड और बाई यूजिंग एनिमल्स। या तो हाथों के द्वारा हम अलग कर सकते हैं या फिर एनिमल्स के द्वारा, जैसे बुलोक्स है या फिर कैमल्स है। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड द बुलोक्स और कैमल्स आर मेड टू वॉक ओवर देम अगेन एंड अगेन विद देयर फिट टिल द ग्रेन्स कम आउट ऑफ द चाफ। कि जो कटी हुई जो फसल है, हार्वेस्टेड जो क्रॉप है, उसको ज़मीन के ऊपर फैला दिया जाता है। उसके बाद में बुलोक्स या फिर कैमल्स को बार बार उनके हार्वेस्टेड क्रॉप के ऊपर चलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो दाने हैं वो चाप से अलग हो जाते हैं। द ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर डूइंग दिस जॉब इन मॉडर्न टाइम। कि आजकल के टाइम में या मॉडर्न टाइम में ट्रैक्टर का यूज किया जाता है ऐसा करने के लिए, चाप से ग्रेन्स को अलग करने के लिए आजकल किसका यूज़ किया जाता है? ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। The leaves and the stems of the crops get crushed into smaller pieces. The leaves and the stem of the crops, कि जो एक फसल है उसकी पत्तियाँ और उसका जो तना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? क्रस्ट हो जाता है, को तोड़ दिया जाता है। Although the grains come out of the chaff, दे स्टिल रिमेन मिक्सड विद दी चाफ एंड क्रस्ट। हालांकि क्या होता है कि जो दाने होते हैं वो चाफ से अलग हो जाते हैं, फिर भी कुछ जो दाने हैं वो मतलब दानों में जो चाफ है वो मिक्स रहता है। एज वेल एज द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स, और जो पत्तियां हैं या फिर जो स्टेम्स हैं वो भी क्या रहता है? मिक्स रहता है। द ग्रेन्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ ड्राइड लीव्स एंड स्टेम ऑफ द क्रॉप्स। उसके बाद में जो दाने होते हैं उनको चाफ ड्राइड लीव्स और स्टेम से क्या कर लिया जाता है? अलग किया जाता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कैन बी डन सिमल्टेनसली विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। कि जो हार्वेस्टिंग है और जो थ्रेशिंग है, इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। किसकी सहायता से? कंबाइन की सहायता से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि थ्रेशिंग में क्या होता है। थ्रेशिंग में मेनली क्या होता है कि जो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग तो हम पढ़ रहे थे थ्रेशिंग के बारे में। तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो चाफ होता है, जो भूसा होता है और जो दाने होते हैं, उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना होता है। और ये जो प्रोसेस हमें एनिमल की सहायता से भी कर सकते हैं और कंबाइन जैसे जो ट्रैक्टर होता है उसकी सहायता से भी हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या है? विनोइंग। क्या है? विनोइंग। आफ्टर थ्रेसिंग सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ
बाय विंड, जब थ्रेसिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में बीज को या फिर दानों को चाफ चाफ से हवा के माध्यम से क्या करते हैं, अलग करते हैं। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस मेथड, और ये जो मेथड है ये आपने मतलब देखी भी होगी, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। देखो ये लेडी है, ये क्या कर रही है, देखो इसको इसको बोलते हैं सुपा, मतलब अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं, छाजल जिसको बोलते हैं। तो उसमें ये मतलब दाने जो ग्रेन्स है वो रख लेते हैं और फिर एक हाइट से क्या करते हैं, इसको हवा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में इसको क्या करते हैं, ऊपर से बरसाते हैं। और जो दाने होते हैं वो यहाँ उनकी एक उनका ढेर लग जाता है और जो भूसा होता है वो हल्के जो घास फूस होते हैं वो आगे चले जाते हैं, तो उनका एक अलग ढेर बन जाता है। इस प्रकार से ये जो मेथड है इसे कहा जाता है विनोइंग। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर थ्रेशिंग सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ बाई विंड, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द हेल्प विद दिस मेथड। इट इज़ डन बाई पुटिंग द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन्स चैफिंग एंड हैंग इन ए विनोइंग स्कूप एंड ड्रॉपिंग इट फ्रॉम हाइट इन ए डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड। द ग्रेन ड्रॉप टू द ग्राउंड इन ए वर्टिकल मैनर वेर इज द चैफ एंड द हे बींग लाइटर फॉल लिटल अवे एंड फॉर्म ए सेपरेट हीप। हीप क्या होता है, ढेर। तो ये मैंने आपको बताया कि भी एक हाइट से क्या करते हैं, इसको स्कूप के माध्यम से हवा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में हम क्या करते हैं, अनाज को बरसाते हैं। और जो ग्रेन्स होते हैं उनकी एक हीप बन जाती है इधर, और आगे जो चैफ वगैरह होते हैं उनकी एक ढेर, उनका एक अलग ढेर बन जाता है। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये दो टॉपिक समझ में आए होंगे, थ्रेसिंग और विनोइंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टोरेज के बारे में, और उसके बाद में फूड फ्रॉम एनिमल्स, उसके बाद में आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।